वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि 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 चरण भजे भूत घन घोर रामा भजे भूत घन घोर तेही कई गति मोहि देओ विधि जो जननी मत मोर से आवर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम दीन दयाला वृद्ध संभाई हरो नाथ मम संकट भारी जय राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। हमने इसी दोहे पर पिछली कथा में विराम दिया था, तो आज इसी दोहे से शुरू किया है। तो पिछली कथा में हमने सुना था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यदि किसी ने वीडियो देखनी हो सुननी हो, कि भरत जी वापस आ चुके हैं श्री राम के वनवास जाने के बाद, और राजा दशरथ जो कि स्वर्गवास हो चुके हैं और भरत जी विलाप कर रहे हैं माता कौशल्या के पास बैठकर। तो वही संवाद चल रहा है, बड़ा ही दुखद दृश्य है। सुनते हैं तो आपको क्या कि वो चरित्र आ जाता है, यदि हमारी राम के मन में श्रद्धा है तो आपके आगे भी वो दृश्य जरूर आएगा जो मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं। चलते हैं कथा को ज़्यादा देरी ना लेते हुए आगे। तो यदि आपको हमारी कथा 1% भी अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा और अच्छा और अच्छे से आपको ये कथा सुना सकें। एक छोटा सा प्रयास है, प्रथम कोशिश आपके सामने लेकर आए हैं, तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते कि आपको पसंद आएगी, लेकिन फिर भी यदि पसंद आ रही तो कम से कम किसी 1% को तो जरूर शेयर करें, श्री राम नाम से जरूर जोड़े। तो चलते हैं आगे कि जय परि हरि हर चरण भजे भूत गण घोर तेही कई गति मोहि देव विधि दो जननी मत मोर। जो लोग हरि और शंकर के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माँ यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा भरत जी बोल रहे हैं माता कौशल्या को, क्योंकि माता कौशल्या के साथ वो अपना दुख बांट रहे हैं। वो माँ को बार बार समझा रहे हैं कि माँ जो कुछ हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये तो अभागनी मेरी माँ का कहीं ने सब करना कर दिया, अच्छा होता कि मैं उसकी कोख से पैदा ना होता। इस तरह से भांत भांत के दर्द हैं जो अपने दिल के वो माता कौशल्या के साथ बांट रहे हैं भरत जी। तो आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। बेचे ही वेद धर्म दुही ले पिसन पराय पाप कहीं दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को धू देते हैं, चुकल खोर हैं कुपिट कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषम विरोधी, दूसरों के पापों को कह देते हैं जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं विषम वर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलू बचारा जेता कहीं पर धनु पर दारा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो प्राय धन और प्राय स्त्री के ताक में रहते हैं, पाओ मैं तिन के गति घोरा जो जननी यहूं सम्मत मोरा। यदि इस काम में मेरी जरा भी सहमति होना माँ तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पद विमुख भागे, जे ना भजे हरि नर्तनु धापाई जिन ही ना हरिहर सुच सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि को भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का स्वेश नहीं सुहाता। तथि श्रुति पंथ बाम पथ चलही वंचक बेज बेज जगु चलही, तिनके गति मोहि शंकर देऊं जननी जो यहु जान ना भेहूं। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माँ यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। तो भाव अर्थ ये कि भरत जी बार बार विलाप कर रहे हैं माता कौशल्या के कि माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई सहमति नहीं थी, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं चलता मेरे राम वन को जाए।
मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए कहित राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभिक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो, मुझे पता है राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। माता कौशल्या ने भरत के स्वाभिक सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही राम के प्यारे हो। राम प्राण हूँ प्राण ते प्यारे, राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। भीतु विष चवे स्त्रवे ही मागी, होई भारी चरी भारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों में भी से बढ़कर प्राण है और तुम भी श्री रघुनाथ के प्राणों में भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जल से जीव जल से विरक्त हो जाए। भय गुआनु बिरू मिटना मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहू जो जग के ही सो सपने सुख सुगति न ले ही। और अज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत में जो ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। तो माता कौशल्या को भी पूरा विश्वास है कि ये सब भरत जी को नहीं पता था। आजकल की माता है तो कह रही थी भरत ने उंगली लगाई होगी, लेकिन वो कौशल्या माँ थी, मेरे राम की माँ जी ने पता था कि भरत जी का स्वभाव कैसा है, वो ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। अस कही माँ तू भरत ही लाए, थन पेस्त्र ही नयन छल पाए। करत विलाप बहुत यही बाती, बैठे ही बीत गए सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे कब बीत गई पता नहीं चला। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकले बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशु, कही प्रमारथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकल वचन कहकर भूत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करने कयो सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो, शोक ना करो मन में, क्योंकि इस समय जो काम जरूरी है ना पहले वो करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा, क्योंकि भरत जी को पता है कि उनका कार्य क्या है। उनको पता है कि राजा दशरथ को अर्थात उनके पिता को अब जितने भी क्रियाक्रम है वो सारे भरत जी को करने हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा है कि हे पुत्र बाकी सब तो बाद में होता रहेगा, पहले जो जरूरी काम है तुम वो करो, क्योंकि तुमको ही करना पड़ेगा। निरपतनु वेद विदत अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत माँ तो सब राखी, रही रान दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा को देख स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके कि उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई, क्योंकि उस समय सती होने की प्रथा थी। तो भरत जी ने उनको चरण पकड़ कर रोक लिया कि माँ आपको मेरी सगंध है, किसी ने सती नहीं होना है, हम राम के दर्शन करेंगी, हम राम से मिलने जाएंगे। और सभी ने राम के दर्शन की अभिलाषा में सती नहीं हुई है माताएं। चंदन अगरे भारे बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सर जो तीर रचिचिता बनाई, जनु सुर पर सो पान सुहाई।
चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर गुग्गल केसर आदि सुगंध द्रव्यों को बहुत से बोझाए स्रव के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी जहाँ पर राजा दशरथ का संस्कार किया गया। एह विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी, सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दसागात बेधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी, फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दश गात्र विधान 10 दिनों तक कृत्य करा, जो कि दशाई होती है, आप सबको पता होगा सनातन धर्म में दशाई की क्रिया होती है। 10वें दिन जो भी क्रिया की जाती है उसके बाद ही घर में शुद्धिकरण होता है, 12वें दिन या 13वें दिन हवन करवाए जाते हैं, तो उसी विधि विधान से राजा दशरथ के भी 10 दिनों के जो क्रियाक्रम थे वो करवाए गए। जय जस मुनि भर आय सुदीना, तें तस सहस भातु सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ जी ने जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया, शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए, गोए तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां सब दान में दिए गए। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणी धन धाम दिए भरत लही भूमि सुर पे परिपूरण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन मकान भरत जी ने दिए, भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। तो यहाँ पर देखिए भरत जी ने कैसे दान किया है दशरथ जी के क्रियाक्रम में। आजकल हम क्या करते हैं, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो दान की बारी आती है तो पहले तो दुकान पर जाकर बोलेंगे, क्योंकि शैया दान होता है, सबसे पहले तो जाकर दुकान वाले से कहेंगे कि पंडित जी को दान देना है तो ऐसा ऐसा ऐसी चारपाई ऐसी खाट दिखा दीजिए। बोलो घर पर तो माता पिता जो भी थे वो 20,000-25,000 के बिस्तर के ऊपर सोते थे, मखमल के ऊपर, लेकिन जब हमने दान देना होता है ब्राह्मण को तो हम 500-700 की वो खाट लेके आते, चारपाई लकड़ी की, जिसपे आजकल कोई भी नहीं सोता, कि ब्राह्मण को ही देनी है कोई बात नहीं, ये नहीं सोते कि अच्छे वाली फोल्डिंग या अच्छे वाले कोई चारपाई देंगे तो ब्राह्मण देवता उस पर सोएंगे तो पुण्य तो आपके माँ बाप को ही लगेगा, ऐसा नहीं करते हैं। जब कपड़ों की बात आती है, यहाँ पर गहने बताए गए तो गहने के नाम पर तो आजकल चलो महंगाई बहुत है, कोई कुछ देता ही नहीं है, छोड़िए, बात कपड़ों की आती है तो यहाँ पर कपड़े बताए गए तो कपड़ों के नाम पर भी क्या किया जाता है, दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को बोला जाता है कि हाँ जी माता जी पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं तो हमने ब्राह्मण देवता को कपड़े देने हैं, ब्राह्मणी को देने हैं, फिर उसी हिसाब से कुर्ते पजामे दिखाते हैं, खुद के तो पहने होते हैं हमारे 2,000 के कुर्ते पजामे, लेकिन जो पंडित जी को देने 200-400 के ऊपर नहीं जाते हम, दुकानदार पहले निकाल के रख देता जी ये दे दीजिए पंडित जी के लिए, ये चलता है, उन्होंने कौन सा सिलवाना है भैया तुम दोगे ही ऐसे तो पंडित कैसे सिलवाएगा। उसके आगे बताया गया यहाँ पर अन्नदान, तो आजकल अन्नदान की प्रथा भी खत्म हो गई है, पहले पूरे पूरे वर्ष का राशन, पूरे पूरे महीने का राशन दिया जाता था ब्राह्मण देवता को इस समय पर दान में, आजकल क्या करते हैं 200-400 रुपये थमा देते हैं, बताओ 200-400 में तो 2 दिन का खाना पूरा नहीं होता आपके घर वालों का, और आप 200-400 रुपये देकर बोल देते हैं लो जी हमने अन्नदान कर दिया, ऐसे नहीं होता है, पहले पूरे पूरे साल का या पूरे पूरे महीने का राशन दिया जाता था खाने के लिए, और वो हर चीज़ दी जाती थी राशन में जो उपयोगी होती थी, जो कुछ घर देते हैं आज भी, लेकिन बहुत से घर अभी भी सरते बरते नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं पृथ्वी दान, पृथ्वी का तो आजकल रिवाज ही खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म है, पहले दी जाते थे पृथ्वी भूमि दान की जाती थी ब्राह्मणों को, आजकल नहीं की जाती है, आजकल मंदिर वगैरह में तो भले कोई थोड़ा बहुत अन्नदान दान पुण्य कर दे, लेकिन सरते बरते लोग भी भूमि दान कभी नहीं करते। एनीवेज चलिए आगे धन की ओर, तो धन के नाम पर भी बेचारे जो गरुड़ पुराण पढ़ने आते हैं पंडित जी उनको बड़ी मुश्किल से 1100-2100 रुपया दिया जाता है, जबकि 1,50,000 का भोग पर लगा देते हैं, तो 6 दिन वाले ब्राह्मण को तो 500 से ऊपर कभी जाते ही नहीं है, मकान भी कौन दान देता है जी। तो ये सब दान उसी वक्त थे तो अच्छे थे, बनाई थी ये रस्में, तो चलते हैं आगे कि भरत जी ने भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जस करनी,
सो मुख लाख जाए नहीं बरनी, सुदिन सो दिमुनि भर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी के जैसे करने की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने पिता का क्रियाक्रम किया। तब शुभ दिन छोड़ कर मुनि विशिष्ट जी आए और उन्होंने मंत्री तथा सब महाजनों को बुलवाया और बैठे राज सभा सब जाई। पठे बोले भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म मैं वचने उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा और भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म भरे हुए वचन कहने लगे। उनको धर्म सिखा रहे हैं वशिष्ठ जी। क्या कह रहे हैं? प्रथम कथा सब मुनि बरी बरिनी, कह कई कुटिल की नजस करनी, भूप धर्म बर तू सत्य सराहा, जे तीन पर हरि प्रेम निवाहा। पहले तो क्योंकि आजू बाजू से जो पता चला तो चला, लेकिन अब गुरु है ना वशिष्ठ जी, तो वो भी बता रहे हैं कि कई ने कैसे कुटिल करनी करी थी भरत जी को। सब शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने बताया और के कई कुटिल की नहीं जिस करनी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कह सुनाई। भूप धर्म वर तू सत्य सराहा, फिर राजा के धर्म वर्त और सत्य की सराहना की कि किस प्रकार राजा ने अपना धर्म रखा, अपना सत्य सराहा, जेतन उपरि हरि प्रेम निभा, और जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम का भी निभा किया मेरे राम के साथ, ये सब उन्होंने बताया। कहते राम गुण सील स्वभाव, सदर नयन पुल के मुनिराव। राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में भी जल भर आया और वह शरीर पुलकित हो गए। बहुरी लखन से प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर लखन और सीता के प्रेम की बड़ाई की गुरुदेव ने और ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनो भरत भावे प्रवल, विलिख गयो मुनि नाक, हानि लाभ जीवन मरण जसु अप जसु विधि हार। मुनि ने कहा, दुखी होकर हे भरत सुनो, तुम बड़े होनहार हो, बड़ी बलवान है, होनी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश व्यश ये सब विधाता के हाथ है, अपने हाथ कुछ भी नहीं। अस विचार के ही देऊं दोसु, व्यर्थ काहीं पर कीजिए रोसु, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष नहीं दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, क्योंकि ये सब होनी के हाथ था। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे विपर जो वेद बहीना, तज निज धर्म विषय ललिना, सोचे नरपति जो नित न जाना, जे ही ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं हो। सोचे भय सुकृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु, सोचे शूद्र विपर्य अवमानी, मुखरि मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए धनवान होकर कंजूस हो और अतिथि का सत्कार न करे, शिव भक्ति करने में कुशल नहीं। सोच शूद्र विपर अभिमानी, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो। मुखरि मान प्रिय ज्ञान सुमानी, बोध बोलने वाला, मान बढ़ाई जाने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो, उस पर सोच करनी चाहिए। सोचय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोच बटो निज भरत पर हरी, जो नहीं गुर आय सुअनुसरी। पुन उस स्त्री की सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य को तोड़कर छोड़ देता है, गुरु के आगे के अनुसार नहीं चलता है। सोच ग्रही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचे जति पर पंचरत विगत विवेक अनुराग। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कुम मार्ग त्याग कर देता हो। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ हो और ज्ञान विराग से हीन हो। उनकी सोच करनी चाहिए। बेखानस सोई सोचे जोगु,
तपो विहाय जेहि भावे भोगो। सोचे पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। बाण प्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसकी तपस्या जोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए तो चुगलखोर हो, बिना ही कारण क्रोध करने वाला हो, मात्र पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। सब विधि सोच परोपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोच नहीं सब ही विधि सोई, जो ना छाड़ छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह भी तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचने नहीं कौशल राउ, भुवन चारे दास प्रगट प्रभाउ। भयो न आहि अब नो निहारा, भूत भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ और ना ही कोई आगे होगा। विधि हरि हरु सुरपति दिसिना था, वर्णय सब दशरथ गुने गाथा। ब्रह्मा शिव विष्णु इंद्र दिग्पाल सभी दशरथ के गुणों के कथाएं कहा करते हैं। कहो तात कहीं भात कहो, करे बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जास। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके राम लखन तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हो, उसके जैसा कौन बड़भागी होगा। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाधि विषाद करे ती लागी। राजा सब प्रकार से भाग्य वाला था, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। भगवान ने सब कुछ दिया था राजा को। यह सुनी समझ सोच परिहर हूँ, सिर धरी राज राजा ऐसे कर हूँ। यह सुनो और समझ कर सोच कर त्याग दो, कि राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता वचन पुर चाहे तजे राम जेहि बचने लागी। तनु परिहरियो राम बिरहागी। राजा ने राज पर तुमको दे दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए राम को त्याग दिया और राम व्रे में अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नर पे ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कर तू तात पितु वचन प्रवाना। करो शीश धरि भू पर जाई, होए तुम कहे सब भांत भलाई। राजा को वचन प्रिय थे प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए तात पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई हो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु लोक सब साखी। तने नतज जाति जो बन देयूं, पितु आज्ञा आज सुना भयूं। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा याति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अभिलष्ट नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारत जी, जे पाले पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसे अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुवेश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी भिन्न भिन्न बातें कहकर भरत जी को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि अब वो राज्य संभाल लें, क्योंकि दशरथ जी की यही आज्ञा थी। जो अनुचित और उचित विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख सुवेश पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं, ऐसा उनको समझा रहे हैं। अवस नरेश वचन पुर करहुं, पालो प्रजा शोक परिहरहुं। सुर परु नृप पाई पर तोषु, तुम कहो सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जे ही पितु दे सो पावे टीका। करूं राज परिहर हूं गलानी, मानो मोर वचन हित जानी।
यह वेद में प्रसिद्धि है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज्य को पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुख लहे राम वदेही, अनुचित कहे मेरा पंडित के ही। इस बात को जो सुनकर श्री राम जी और जानकी सुख पाएंगे और पंडित उसे अनुचित नहीं कहेंगे। कौशल्या आदि सकल महतारी, त्यों प्रजा सुख होए सुखारी। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में ही सुखी होंगी। इसलिए हे भरत, अब तुम राज्य संभालो, परम तुम्हार राम कर जानी। सो सब विधि तुम सन भल मानी, जो तुम्हारे और राम के श्रेष्ठ संबंध हो जान लेगा वही सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। सो प्यो राजू राम के आए, सेवा करियो स्नेह सुहाए। जब श्री राम जी लौट आएंगे तब आने पर राज्य ने सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कजे गुर आए सुअवस, कैसे सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब कर बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे कि गुरु की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। रघुनाथ जी के लौट आने पर उचित हो तब वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धर धीरज के ही, पुत्र पथे गुरियाय सुए ही। सो अधीर करे हित मानी, तजे विषाद कलिगाती जानी। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही है कि पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम ही भांति तात कद राहु। पर जन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सोत सब कहे वलंबा। रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग राज्य करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही तो सहारे हो। लखी विधि भाम काल कठिनाई, धीरज धरो मातु भल जाई। विधाता के प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो, माता तुम्हारे बल हार जाती है। सिर धरी गुरु आयसु अनुसर हूँ, प्रजा पाल परजन दुख हर हूँ। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा के पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत ही जनु चंदनु। सुने बहोर मात मृद बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी के गुरु वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता से रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सलर रस मात बानी, सुनी भरत व्याकुल भई। लोचन सरोरु सत्रवत सींचत विरे उर अंकुर नय। सो दशा देखत समेत ही बिसरी सभी, सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर। सीव सहज स्नेह की, सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल महाकर हृदय के भी रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उन्हीं वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध-बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत को सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमे जनु बोर, देते उचित उत्र सभी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर कहने देने लगे। मासा परायण अठारवां विश्राम। तो हमने देखा
किस कथा में श्री भरत राम के जाने पर भरत जी आए और माता कौशल्या जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी बार बार माँ को समझाते हैं कि माँ इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तो माता भी बलहार जाती है कौशल्या और बोलती है पुत्र मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। उसके बाद पूरा क्रियाक्रम जो कि दशरथ जी का किया गया भरत के हाथों, और अब माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी बार बार भरत जी को समझा रहे हैं कि आप राज्य कीजिए, सिंहासन को ज़्यादा देर तक खाली छोड़ना सही नहीं है। तो देखते हैं आगे, मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, माँ तो उचित धरिया सुदीना, अवस शीस धरि जायो कीना। गुरुजी ने बड़े सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है, माता ने भी उचित समझ कर आज्ञा दी है, मैं भी वशिष्ठ को सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, ऐसा भरत जी बोल रहे हैं। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करे भल जानी, उचित अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। गुरु पितु माता स्वामी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए, यही नियति है। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव शरण सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि यह समझत हो नीके, तद्यपि होत परितोष न जीके। आप तो मुझे वही सर्व शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला होगा, यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन लेहू, मोहे अनुहर्त सिखावन देहू, उतरू देव छंभ पराधु, दुख दोष गुण गनी न साधो। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, भरत जी बोल रहे हैं कि आपने अपने बारे में आपने जो कहा, माँ ने जो कहा, गुरुजन ने जो कहा, वो सब सत्य है। मुझे पता है कि यही नीति है, मैं जानता हूँ आपने वही कहा जो नीति है, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करते हुए, क्योंकि मैं आपसे आपकी बात से थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ ना, तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए, एक और मेरी विनती है उसे भी सुनिए, और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिएगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि गुरु के सामने बोलना ये सही नहीं। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पर सी राम बन, करण कहो मोहे राज, एही ते जानो मोर हित के आप पर बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में है, सियाराम वन में है, मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारा सिए पति सेवकाई, सो सर रीन मात कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी कहते हैं मेरा कल्याण तो सीतापति राम के चरणों की चाकरी में है, उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया, मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय में मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण तो मेरे राम की सेवा में है। सुख समाज राज कहीं देखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे, बादी बसने बिनु भूषण भारो, बादी बिरित बिनु ब्रह्मा विचारो। शोक के समुदाय राजे लक्ष्मण राम और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में इसका क्या मूल्य है, जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, यदि हमने कपड़े अच्छे नहीं कपड़े नहीं पहने ना तो गहने पहने हो उसका कोई मूल्य नहीं है, पहले तन टका होना चाहिए कपड़ों से। वैरागी के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्त जाए जप जोगा, जाए जीव बिनु देह सहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, क्योंकि रोगी है खा तो सकता नहीं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और त्याग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, मुझे ये राज का कोई लोभ नहीं है। जाऊं राम पहि आय सू दे हूं, एक ही आंख मोर हिते हूं, मोहे नृप करी भाले आपन चे हूँ, सोई सने जड़ता बस के हूँ। मुझे आज्ञा दी थी कि मैं राम के पास जाऊँ, एक ही आकर निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हैं, यह भी आपस नहीं जड़ता है, मोह के वश होकर कह रहे हो आप ये सब कुछ। कह कही सुए कुटिल मती राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राज।
कि कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुनी पतियाँ हूँ, चाहे धर्म सिल नर ना हूँ, मोहे राज हट दे हूँ, जब ही रसा रसा तल जाए तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, तो ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहे समान को पाप निवासु, जे ही जलगी सी राम बनवासु। मैं इस मान पापु का घर कौन हुआ, जिसके कारण सीता और राम को बनवास हो गया। राय राम कहूँ कारण दीना, बिछड़त गमन अमरपुर की ना। राजा ने राम को वन दे दिया, और उनके बिछड़ते इसमें स्वर्ग का गमन हो गया। मैं सठु अब अनर्थ कर हे तू, बैठ बात सब सुने सुचे तू, बिनु रघुवीर विलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, सुहवास में बैठा सब बातें सुना रहा हूँ। रघुनाथ जी से रहित घर को देख कर और जगत उपहास सह कर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, नदीर कलेस जही नहीं बढ़ाई। यही कारण ये प्राण श्री राम पवित्र विषय रस में सक्त नहीं है, लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र की तिरस्कार करके बढ़ाई पाई हो। कारण ते कारज कठन, होई दसो नहीं मोर, पुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इससे मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कह कहे भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे। जो प्रिय विरहि प्राण प्रिय लागे, देखब सुनग बहुत सब आगे। तो कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पावर प्राण भर पेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ लिख सकूंगा। लखन राम सिए कहूँ बनु दीना, पठी अमरपुर पति हित लीना कीना। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीन्यो प्रजे शोक संतापु। लखन राम और सीता को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वे विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। ऐसा बोलने का कई जी के लिए, मोहे दीन सुख सुरस सरासु, कीने का कई सब कर काजू। एही ते मोर काहे अब नीका, ते पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया, कि कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देना चाहते हैं। कह कई जी ठर जग में जग माही, यह मोहे कह कुछ अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करूं सहाई। तो कई के पेट से जगत में जन्म लेकर मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं। मेरी सब बात तो विधाता नहीं बना दी, उससे प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनी बात बस, तेही पुनी बीची मार, तेही प्याही बारुनी कहूँ का उपचार। जिसे कुग्रह पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो ग्रायु रोग से पीड़ित हो, उसकी फिर बिच्छू डंक मार दे, उसके यदि मदिरा पिलाए जाए, तो कहिए कैसा इलाज है। क्या कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर परिंच दीन मोहि सोई। दशरथ तने राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बांध बढ़ाई। कि कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र भी हूँ मैं, मत भूलिए कि मैं कुटिल कई का पुत्र हूँ। तो मुझे राज्य मिल रहा है, लेकिन मैं उस राजा दशरथ का भी पुत्र हूँ, राम का छोटा भाई हूँ। होने की बड़ाई मुझे व्याता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावर टीका, राय रजाय सु सब नहीं नीका। उत्तर देही के दिविद के ही कहूँ सुगेन थार देही। आप सब लोग जो मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं ना, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी। किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो
आप लोग सुख पूर्वक वही कहे। मोहि को मात समेत बिहाई, कहूं कहें के ने भलाई। मो बिनु के सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे कुमात्र के कई समय तो मुझे छोड़कर गई है, और कौन कहेगा और ये काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको सीता राम के प्राणों के समान प्यारी ना हो। परम हान सब कह बढ़ला हूँ, आदि नो मोर नहीं दूषण का हूँ। संसशील प्रेम वस बे के हूँ, सभी उचित सब जो कुछ के हूँ। जो परम हानि है उसी में सबका बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं वह सब उचित, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात सुट सर चले चित्त, मो पर प्रेम विशेष कहूँ सोभाई स्नेह बस मोरी दीनता देख। श्री राम की माता बहुत ही सरल हृदय वाली है, मुझ पर बहुत प्रेम है इनका, इसलिए तो मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है इनको, इसलिए मेरी दीनता देखकर स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हुए कि किस प्रकार भरत जी विलाप कर रहे हैं, मेरे राम को याद कर रहे हैं। जब दशरथ जी का क्रियाक्रम हो चुका, 10 दिन बीत चुके, शुद्ध मुहूर्त देखने के बाद वशिष्ठ जी और पूरा राज्य महाजन राज्यसभा माता कौशल्या सब बोल रही हैं भरत जी को कि अब आप राज्य पाठ ले लीजिए, राज्य का कार्य संभालिए, ज़्यादा देर तक सिंहासन को खाली छोड़ना अच्छा नहीं है। तो दशरथ जब भरत जी विलाप कर रहे हैं, बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को कई का पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो। तो कई के पुत्र को राज्य चाहिए था तो आप राज्य दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कई का पुत्र नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ का भी पुत्र हूँ, मैं राम का भी छोटा भाई हूँ, मैं ये कैसे ले लूँ राज्य पाठ। मुझे तो मेरे राम के चरणों की चाकरी चाहिए, मैं तो मेरे राम के चरणों में ही सुख पाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये संवाद चल रहा है, आगे देखते हैं। और वो किस प्रकार, सबको पता है कि भरत मिलाप हुआ, राम और भरत गए, राम जी को मिलने के लिए भरत जी वन में गए थे, तो वो कथा हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। तो सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो के लिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।